बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त देहरादून पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत भी कर रहे हैं और उसके बाद बागेश्वर बाबा जो हैं वो फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो ये मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जाहिर सी बात है कि फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सभी बातों का बागेश्वर बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने क्या क्या कहा है वहां पर वो सुन लीजिए। पहली बात तो ये कहा है कि चादर और फादर से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि धर्मांतरण करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके सेहत के लिए भी, आपके समाज के लिए भी, आपके हिंदुत्व के लिए भी। क्योंकि जब हम अपने शरीर में दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकते हैं तो दूसरे मजहब को अपने अंदर कैसे ले सकते हैं, कैसे दूसरे मजहब को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से कई जगह पर मजार वगैरह बनाते हुए लोग मिल जाते हैं, फैल रही है, इसके ऊपर कहते हैं कि कहीं पर भी किसी भी भूमि पर खाली जगह पर ये चादर डालकर वहां पर दरगाह बना देते हैं, मजार बना देते हैं। अब जरूरत है कि बाबर को बेघर कर रघुवर को अपनाया जाए। उत्तराखंड में ये काम होते हुए दिख रहा है और ऐसा काम सिर्फ, और जब आप उन्हें बागेश्वर नाम सुनाएंगे तब चादर और फादर दोनों ही आपके निकट नहीं आए। बाबर को जो बेघर कर दे ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ पर बाबर की विरासत नहीं होनी चाहिए बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में मंदिर बनाए जाने चाहिए। कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोगों को देवभूमि उत्तराखंड में जन्म मिला है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली है। अब हर घर से बच्चा कफन बांध कर निकलेगा और हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई भी टिक। उत्तराखंड जो है वो भारत का मुकुट है और मुकुट पर सिर्फ सनातन ही बैठ, और जब सनातन विराजमान होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिद मजार इन सब चीजों को बनने नहीं देना चाहिए, वहां पर सिर्फ मंदिर ही बनेगा और जब मंदिर बनेगा हिंदू राष्ट्र की बात होगी, बन सकेगा। पूरे विषय पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइए।